हेलो गाइस, अगर आप हमें ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। गाइस, अभी अभी हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जो मोटिवेशंस के लिए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। यहाँ पर टोटली मोटिवेशंस की वीडियो मिलने वाली है, और इस प्रैक्टिकल में हम लोग जो है वो टिशू की टोटल कहानी डिस्कस करने वाले हैं। तो टिशू की स्लाइड आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दी है, हम इतने स्लाइडें जो है आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग पहले थ्योरेटिकल समझते जाएंगे, और थ्योरेटिकल समझने के बाद में उसको हम लोग जो स्लाइड को ऑब्जर्व करके उसके जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम समझने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं वो है हमारे पास में प्लांट टिशू में जो पैरेन्काइमा की स्लाइड है वो आप देख रहे हैं। अब एक एक स्लाइड को आप देखें, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझें, बट कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो आप थ्योरी पहले कंप्लीट करें, देन इसको स्लाइड को ऑब्जर्व करें। मैंने हर एक स्लाइड का पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, कोलेनकाइमा का भी, और देन मैंने जो है कोलेनकाइमा की स्लाइड आपको स्क्रीन पर लगा रखी है। तो आप पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को लें और अब ऑब्जर्व करें। स्लाइड को ऑब्जर्व करने का तरीका आपको मैंने सिखा रखा है। सबसे पहले आप माइक्रोस्कोप लें, उसमें आप 10x पे आप लाइट को सेट करें। जब लाइट सेट हो जाती है तो उसमें आप स्लाइड लगाएं। स्लाइड लगाने के बाद में स्लाइड में आप उसको एडजस्टमेंट करके उसमें आप देखना शुरू करें। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिमेन छोटा है तो 10x के बाद में जब आपको 10x पे ऑब्जेक्ट देखने लग जाए तब आपको 45x पे आपको सेटअप करना माइक्रोस्कोप को, एंड देन आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, माइक्रोस्कोप हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। जितना बेटर आपका हैंडलिंग है उतना बेटर आप रिजल्ट देख पाएंगे। ये मेरे पास में क्लेरेनकाइमा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये उसकी यहाँ पे स्लाइड भी मैंने आपको दिखा रखी है। इस बार मैंने सारे ही ऑलरेडी सेटअप करके रखे स्लाइड्स, खाली आपको ऑब्जर्व करना है और कॉन्सेप्ट्स देखना है कि वो एग्जैक्ट दिखती कैसे हैं स्लाइड के अंदर। आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं क्या वाकई में ऐसा ही दिखता है या कुछ अलग दिखता है? तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपको नॉलेज दे सकूं, मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं। तो गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा न्यू एक चैनल है जिसका नाम है भरत पवार मोटिवेशंस, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली हमारे पास जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं ध्यान रखना स्क्रीन पे, ये मेरे पास में आप लोग देख रहे थ्योरी में क्लेनकाइमा के अलावा जाइलम की भी मैंने थ्योरी दे रखी है। ओके, ये आप देख लीजिए, मैंने एक एक यहाँ पे फंक्शंस बता रखे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट के यहाँ पे ध्यान रखना ट्रैक या वगैरह के। ओके, और पूरी स्लाइड आपको ऑब्जर्व करा रखी है मैंने। देखो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मिनिमम समय पे आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले, और प्रैक्टिकल चीज़ें आपके लाइफ में इतनी ईजी हो जाएँ कि आपको बहुत मज़ा आए, प्रैक्टिकल में समझ में आ जाए, आप उस चीज़ को हर ईजीली आप समझ पाएँ। क्योंकि जीवन में कागज़ी जो हैं वो कुछ काम के नहीं हैं। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है, आपकी स्किल कैसी है, यही हमेशा एंड ऑफ द आप स्टेज देने का मैटर करेगी। आप डॉक्यूमेंटेशंस में कितनी भी बढ़िया हैं, कितनी भी एवंस डिग्री हैं, बट अगर आपके पास में लैक ऑफ नॉलेज है, अगर आपके पास में काबिलियत नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है काम करने की, चीज़ों को समझने की, सिचुएशन हैंडल करने की, तो आप लॉन्ग टर्म तक वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको स्लाइड्स दिख रही है। ओके, और ये हमारे पास में कौन सा फ्लोएम का भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी फंक्शन कॉन्सेप्ट थ्योरी दे रखी है, देन आपको यहाँ पे उसके सी यूट्यूब की मैंने आपको स्लाइड दिखा रखी है। देखो, मेरा हमेशा से पर्पस रहा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली आराम से कर पाओगे। तो मैंने हमेशा आपको एकदम वीडियो को प्रॉपर वे में बनाने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी देखें, आराम से इसको ऑब्जर्व करें, और कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कौन सी लैब की वीडियो को पहले नीड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और गाइज, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, आप जितना शेयर करोगे उतना मुझे प्यार मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है, वर्क करने की ताकत मिलती है। हमने एक नया चैनल और हमने बनाया है, भरत पवार मोटिवेशंस, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर एक तक पहुँचाएं, क्योंकि उस चैनल पे आपको टोटली आपकी नई नई चीज़ें जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी हैबिचुअल है कि मुझे गाइड करना अच्छा लगता है, आपको अलग अलग चीज़ें नई नई फैक्ट्स बताना अच्छा लगता है, तो उस चैनल पर आपको वो सब कंटेंट मिलेंगे जिसमें सारी ऑडियंस के लिए, ये ओनली एक लिमिटेड एंड बायोलॉजिकल ऑडियंस के लिए है ये चैनल्स। तो उस चैनल को भी आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें और उसमें बहुत सारा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।